But it was good. But they're growing really fast. Yeah. They recently had like 4 or 5 movies, like Superstar with Mahira Khan and all those movies. Yeah, they're growing rapidly. Yeah, they are. थैंक यू सो मच. साथ ही साथ कांग्रेचुलेशन करना चाहूंगी सेक्रेट गेम पार्ट 2 के लिए. बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. सो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. आई थिंक ये अभी जो भी लोग मैं जानती हूँ वो सब चाहते हैं कि सेक्रेट गेम्स में काम करें. सो इट्स अ ग्रेट फीलिंग कि आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू play such an important character in Sacred Games. Yeah, it's been bahut acha tha. Okay. Kya kya challenges aaye shoot ke dauran Sacred Game? Challenges, I think sabse bada challenge yehi tha ki wo when I had to wear that nose for Jameela, kyunki har baar shoot se pehle humko aadha ghanta ek ghanta lagta tha ki usko lagane mein aur makeup karne mein. That was the biggest challenge मुझे लगता है क्योंकि कभी कभी prosthetics face पे हैं तो वो अलग है लेकिन जब nose पे एक और nose लगाते हैं तो कभी कभी सांस नहीं आता है और हमारा जो एक swimming pool पे में भी एक scene था and I had to swim and I had to go underwater and come out तो वो that was very challenging. For sure. आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सैफ अली खान के साथ नवाजुद्दीन से लेके? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. मतलब एक्चुअली इतने बड़े बड़े स्टार्स काम करने के साथ सॉरी लेट्स गो अगेन. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था इतने बड़े बड़े स्टार्स काम करने. फक व्हाट्स रॉन्ग विद मी कट दिस. काम करने के बाद काम करने के साथ व्हाट्स हैपनिंग आई एम रिकॉर्डिंग आई थिंक आई स्पोक सो मच कि ओके यू आर रिकॉर्डिंग ऑल ऑफ दिस स्टॉप रिकॉर्डिंग आई नो बट इट्स फनी बिकॉज आई थिंक आई एम हंग्री ऑल्सो ना सो माई ब्रेन इज नॉट वर्किंग. हाँ जी क्या बोला था? हाँ जी मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है. आई बीन वेरी लकी कि आई गॉट द चांस टू वर्क विद सैफ अली खान एंड नवाजुद्दीन सर. दोनों बहुत ही अच्छे एक्टर्स हैं और मुझे याद है मेरा फर्स्ट डे ऑफ शूट सेक्रेट गेम सीजन 1 के लिए सैफ सर के साथ था और मैं बहुत बहुत ही नर्वस बहुत ही स्ट्रेस्ड मतलब आई वॉज शेकिंग एंड आई वॉज इन श्योर कि यार फर्स्ट डे इनके साथ क्यों रखा है कुछ और सीन कर सकते थे ना. बट सैफ सर वॉज सो सपोर्टिंग. ही वेंट थ्रू द लाइन्स विद मी बार बार. वी वर सिटिंग 4 घंटे के लिए हम बस प्रिपरेशन के लिए वी आई कांट से वेस्टेड बट यू नो हु डज दैट नाउडेज. ये जो सारे स्टार्स हैं वो आते हैं सेट पे सीन करते हैं और फिर जाते हैं. नोबडी सिट्स विथ यू एंड यू नो हेल्प्स यू थ्रू. सो ये दैट्स वन वेरी अमेजिंग मेमोरी दैट आई हैव. और हाँ मैं बहुत खुश हूँ एक्चुअली. मैं बहुत लकी भी हूँ दैट आई गॉट द चांस टू वर्क विथ देम. क्या कुछ सीखने को मिला उनसे? ओह बहुत कुछ. मैं बता भी नहीं सकती कि एक्चुअली उनके साथ रहना उनके साथ काम करना रोज़ सेट पे या ब्रेक्स में भी यू जस्ट लर्न सो मच आई फील. एंड नवाजुद्दीन सर की उनका मैं क्या बताऊँ आपको. एक्टिंग जो है यू जस्ट नीड टू लुक एट हिम एंड यू जस्ट लर्न सो मच. सो एक्टिंग सीखा मैंने सेक्रेट गेम्स में बहुत
it was like an acting school for me, you know. I was working and learning at the same time. Secret Game ke baad aapki life mein kya kuch changes aaye? Changes to hai. ये कि लोग अभी मुझे recognize करते हैं road पे, या जब मैं बाहर जाती हूँ कहीं, अभी airport में भी हो, मैं देखती हूँ कि लोग बोलते हैं यार ये Secret Games वाली है. उनको पता नहीं है कि मेरा नाम, उनको पता नहीं है ना अभी तक. I mean I'm quite new, but यार ये Secret Games वाली है, ये वो Zoya है ना. So ये है जो अच्छा है. It feels great. I'm happy. और हाँ जी, ये कि अभी बहुत सारे offers आ रहे हैं मेरे पास. Touch wood. yeah, good changes. Okay. Yeah. आपसे जानना चाहूँगी, आप ईरान से हैं, so Bollywood से कैसे लगाव आपका? मैं हमेशा चाहती थी कि मैं Bollywood फिल्मों में काम करूँ, क्योंकि मैं हमेशा बचपन में Bollywood फिल्में बहुत देखती थी उस वक्त. तो मैंने सोचा कि यार एक्टिंग तो करना है, तो बॉलीवुड में ट्राई करो. मुझे पता नहीं था कि इतना मुश्किल होगा, बट ऐसे ही हुआ. वॉचिंग फिल्म्स एंड लव फॉर शाहरुख खान. आई थिंक इन फ्यूचर आप किसके साथ काम करना पसंद करेंगे? सबके साथ. I've got a weird work acting crush on Vicky Kaushal. I think not as a girl boy crush, but he's a person I'm like, अरे उनके साथ मुझे काम करना है, इतना अच्छा एक्टर है. And he's just this persona and how he is on screen, who doesn't want to work with him? So he's that one person I'm like, यार उनके साथ मुझे काम ही करना है. लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं यार, मुझे सबके साथ काम करना है. इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस, यू नो. अगर आप मुझसे दो साल पहले पूछते थे कि किसके साथ काम करना है, शायद मैंने कभी नवाजुद्दीन सर का नाम भी नहीं लिया था, यू नो, उस वक्त, क्योंकि मेरे दिमाग में नहीं आता है ना. बट इट हैपन एंड इट वॉज ग्रेट. सो या एक्चुअली आई लव थ्रिलर्स, और मुझे एक थ्रिलर फिल्म में ज़रूर काम करना है. और मुझे लगता है कि मैं कॉमेडी भी बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, लेकिन अभी तक मौका नहीं मिला है. सो कॉमेडी एंड थ्रिलर इज समथिंग आई वुड लव टू डू. किस टाइप का रोल करना पसंद करेंगे? किस टाइप का रोल? यार इतने सारे अलग अलग लोग हैं, लेकिन हाँ, एक रोल या एक इमोशन है जो मुझे डेफिनेटली ट्राई करना है. मुझे कोशिश करना है कि ये मुझे पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं, बट ये कि अगर कोई रोल मुझे मिले जो वेर आई गेट टू प्ले अ मेंटली इल पर्सन, जो कभी कभी खुश है, कभी कभी रोती है, कभी कभी उसको, मतलब शिजोफ्रेनिक लोग जो होते हैं ना, यू डोंट नो कि ये क्या सोचती है अभी, ये क्या करने वाली है अभी. इफ़ यू प्ले रोल लाइक दैट, आपको खुद को पता नहीं है कि अभी क्या करना है, एंड दैट्स वेरी हार्ड एज एन एक्टर. अगर आप वैसे ही हो तो कुछ एक्टिंग नहीं करना है, बट टू गेट इन अ रोल लाइक दैट वेर यू आर डिफरेंट पीपल एंड यू गो अप एंड डाउन इन नो टाइम, आई थिंक वो बहुत चैलेंजिंग है. और या आई वुड लव टू डू अ रोल लाइक दैट. अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में अभी तक बात नहीं कर सकते ज़्यादा, लेकिन दो फिल्में हैं जो अभी आने वाली हैं. एक साउथ फिल्म है, एक बॉलीवुड में है. और इससे ज़्यादा जब हम बता सकेंगे तब आपसे दोबारा मिलेंगे. क्या मैसेज? बस ये कि थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग मी इन योर कंट्री, for giving me the chance to showcase my talent and what I love to do. And yeah, ye sare fans jo hain jo Instagram pe ya social media pe mujhe itna pyar dete hain, please mujhe aur pyar de do, mujhe bahut zarurat hai. And yeah, thank you so much, just thank you.